Hello everyone and welcome to Learning from Scratch. In this video, we are going to start with part 4 of chapter 1 of class 6 history. So let's begin. अभी तक हमने कवर कर लिया था स्टोरियंस तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो क्लासिक हिस्ट्री वाली जो प्ले लिस्ट उसमें डाल रखा है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए. एंड आज हम स्टार्ट करेंगे वन पास सो मैनी, मतलब एक ही पास था या एक से ज़्यादा पास थे. हमारी बुक है उसका नाम है अवर पार्ट्स, ठीक है. उसको अगर प्लूरल में लिखा है, प्लूरल में क्यों लिखा है, ताकि हमारा उस पर ध्यान जाए, कि हमको पता चले कि जो पास जो था वो हर किसी इंसान के लिए डिफरेंट था. जैसे आज भी हम देख अगर अभी भी देखेंगे तो मेरा पास अलग है, आपका पास अलग होगा, ठीक है. आपके फ्रेंड का पास अलग होगा, आपका पास अलग है, ठीक है. ऐसे डिफरेंस पहले भी होते थे. ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो हार्डर्स और फार्मर्स की लाइफ होती थी वो डिफरेंट होती थी किंग्स से क्वींस की, ठीक है. फार्मर्स होते थे वो मतलब एग्रीकल्चर जिसका काम एग्रीकल्चर का काम करते थे. किंग्स क्यों होते थे वो मतलब लोगों को ऑर्डर देते थे, किस तरीके से मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे कि कैसे क्या होना चाहिए, सारे ऑर्डर्स देते थे लोगों को, लोग उनको फॉलो करते थे, ठीक है. जो मर्चेंट्स की लाइफ होती थी, मतलब जो मर्चेंट्स की लाइफ होती थी वो डिफरेंट होती थी क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से डिफरेंट होती थी. इस तरीके का डिफरेंस आज भी देखा जाए तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे रिलीजियस बिलीव अलग मिलेगी, वहाँ कस्टम अलग मिलेगा, वहाँ का ट्रेडिशन अलग होगा, वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी. अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ का डिफरेंट कल्चर है, वहाँ का रिलीजियस बिलीव अलग होगी, वहाँ का मतलब इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है. वैसे अगर स्टेट स्टेट में देखेंगे तो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज मिल जाती है, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट डांस फॉर्म है हर स्टेट का. इस सारे डिफरेंस जो है, इस तरीके के डिफरेंस जो पहले पास में होते थे. अगर आज का एग्जाम्पल लेके देखा जाए तो जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो खुद ही खाने के लिए, उनको खुद खाना कहाँ से मिलता है, फिशिंग करके, हंटिंग करके और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके, ठीक है. तो जो लोग मतलब जैसे जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो लोग जैसे कि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है. फार्मर्स के लिए क्या कैसे डिपेंडेंट है, वो वीट राइस उन सब के लिए वो किस पर डिपेंडेंट है, फार्मर्स के ऊपर, ठीक है. क्योंकि वो सिटीज़ में प्रोडक्शन होता नहीं है तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए तो उनको मतलब जो लोग फार्मर्स हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ता है, उनके थ्रू मिलता है उनको. इस तरीके का कुछ डिफरेंस जो है पास में रहता था. पास में भी लोग जो है गांव में रहते थे, वो लोग जो सिटीज में रहते थे उनको सप्लाई करते थे, ठीक है. जो भी मतलब बेसिक ग्रेन्स है ये सारी चीज़ें वो सब सप्लाई करते थे. तो इस तरीके का डिफरेंस जो है पास में भी होता था. एक और डिफरेंस ये है कि हमें बहुत सारे किंग्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलता है. बैटल्स, उन्होंने कौन सी बैटल्स कब लड़ी थी, उनकी विक्ट्रीज के बारे में पता चलता है. क्यों पता चलता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड रखते थे, वो जो भी करते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे. ऑर्डिनरी पीपल हो गए, जैसे हंटर्स है, फिशिंग फॉक है, हंटर गैदरर्स है, फार्मर्स है, हार्डर्स है, इन सब के बारे में हमें इतना हम किसके ये लोग क्या थे रिकॉर्ड जो भी करते थे वो लिखते नहीं थे क्या कर रहे हैं वो लोग. तो हम हमारी आर्कियोलॉजी है जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो हमारी हेल्प करता है इनके बारे में जाने के लिए. और ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ कैसे होती थी इन सब के लिए जाने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है, आर्कियोलॉजी के ऊपर. आर्कियोलॉजी हमारी हेल्प करता है नॉर्मल पीपल के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानने के लिए, ठीक है. वॉट डू डेट्स मीन्स, मतलब डेट का मतलब क्या है. ऐसे हम देखेंगे May 4, 2021, ठीक है. ऐसे आज का डेट है May 4, 2021. तो 2021 कहीं से स्टार्ट हुआ होगा तभी जाके हम 2021 तक पहुँचे हैं. तो ये स्टार्टिंग होता है फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट जो फाउंडर है क्रिश्चियनिटी के, उनके बर्थ से. वैसे कहीं लिखा हुआ है जैसे कि 2000, इसमें लिखा हुआ है 2000 का मतलब क्या है, 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब 2000 साल बाद क्रिस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद, ऐसे, ठीक है. 2021 मतलब क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद के 2021 ईयर्स हो गए, ठीक है, ऐसा. और जहाँ पे अगर बिफोर क्राइस्ट, अगर उनके बर्थ से पहले वाली जितनी भी डेट है उन्हें बिफोर क्राइस्ट लगता है, या फिर BCE बिफोर कॉमन एरा. और अभी देख लेते आगे, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. और कहीं कहीं हमें डेट के आगे देखने मिलता है AD. AD मतलब होता है एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ, बर्थ हुआ उसके बाद वाली जो डेट्स है उनके आगे AD मिलता है हमें देखने के लिए, ठीक है. जैसे इसमें लिखा हुआ है 2012 को हम कैसे लिखेंगे, AD 2012. जैसे 2021 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, AD 2021, ठीक है. कहीं कहीं हमें देखने में CE देखने के लिए मिलता है AD की जगह, तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है. कहीं कहीं हमें देखने मिलता है BCE बिफोर कॉमन एरा, किसकी जगह देखने मिलता है, बिफोर क्राइस्ट की जगह, ठीक है. तो मतलब कॉमन एरा और AD मतलब उनके बर्थ के जो क्या बोलते हैं, उनके जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद वाली डेट्स के आगे लगता है CE AD, और जो उनके बर्थ से पहले वाली डेट थी उनके आगे क्या लगता है, BCE या फिर BC, ठीक है. और इस तरीके की डेटिंग का जो इस तरीके की डेटिंग जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई अबाउट 200 ईयर्स पहले, ठीक है. कहीं कहीं हमें देखने मिलता है BP. BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट,
ठीक है, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो चैप्टर वन जो है क्लासिक्स हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पूरा समरी डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो डेट्स, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर पहले मतलब जो भी डिफरेंसेस हुए जो भी सारी चीज़ें पता करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।